हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बल्होत्रा। ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज, इन दिस चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइजेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक नेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। वन इज द राइट एंगल एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्सेट्रा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट इज द रोल फॉर द ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज। इनका इनमें क्या रोल है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। क्या बताया मैंने आपको? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? किन्हीं भी दो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री है ना, देन बोथ द एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। As we all know that the sum of the angle, interior angle of the triangle is the 180 degree. ठीक है, कोई भी हमारे पास ट्राइंगल होता है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 degree. This is the 90 degree. ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका 90 degree होता ही हमारे पास, then theta 1 and theta 2. There must be a sum of these two angle is the 90 degree. Theta 1 and theta 2, sum of both the angle is 90 degree. So finally we will get theta 1 theta 2 plus 90 degree is the 180 degree, because sum of these two angle is also 90 degree plus 90 degree which is equal to 180 degree. So basically what is the complementary angle? Complementary angle is the sum of the two angles is 90 degree. ठीक है, complementary angle क्या हो जाएंगे? कोई भी वो angle जिनका sum क्या है? 90 degree है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये था, ये कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी। फॉर ए बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, ये है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर विल बी ए सी, बेस विल बी बी सी एंड हाइपोटेनस विल बी ए बी। यही आएगा हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारा एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोटेनस बेस डिफाइन करते हैं और परपेंडिकुलर। इफ थीटा वन इज दी सेंटर एंगल, अगर ये बी ए सी होता देन परपेंडिकुलर विल बी बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाता? बी सी हो जाता, बेस विल बी क्या हो जाता? ए सी। ठीक है, सो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो we understand about the complementary angle, these are the sum of two angles is the 90 degree. Now let's take the trigonometric identities, inke applications ke bare mein hum study karte hain. dekhiye ye hai hamara koi right angle triangle, this is the right angle triangle in which a b and c are the angles. kya hai hamare? a b c hai wo kuch angles hai, wo sum is the 180 degree. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हियर इज द ए बी एंड सी। एज वी ऑल नो दैट बी सी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है, सो इट मस्ट बी राइट एंगल, दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, नाउ अब देखिए, मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बताया था कि सम ऑफ टू एंगल इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, देन थीटा 1 एंड हियर इज द थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज द 90 डिग्री। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास, ये 90 डिग्री है। तो थीटा 1 अब क्या होगा हमारे पास? थीटा 1 क्या होगा? 90 माइनस थीटा 2, यही होगा। थीटा 1, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज द 90 डिग्री, थीटा 1 इज द 90 माइनस थीटा 2, सो थीटा 1 कैन बी रिटर्न एज दी 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या थीटा 2 इज 90 माइनस थीटा 1, बोथ आर द सेम। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज दी 90 डिग्री। अगर कोई भी जैसे हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, दो भी कोई भी थिंग्स है उनका सम अगर 5 है और बी के पास अगर ये है थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज दी 90 डिग्री, ये कितना? इन दोनों का सम है 90 डिग्री। अगर हम एक का दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करें तो रिलेशन कैसे होगा?
90 माइनस थीटा 2 होगा वो किसके इक्वल होगा थीटा 1 के, या 90 माइनस थीटा 1 है वो किसके इक्वल होगा थीटा 2 के। सो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन। सो दिस थीटा 1 एंड 90 माइनस थीटा 2 इज दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या हो जाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली वी हैव टू एस्टैब्लिश हियर, ये अगर हमारा 90 डिग्री है और ये अगर हमारा कोई थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये कितना होगा सम ऑफ बोथ द एंगल ए एंड बी कितना होता है 90 डिग्री होता है। देखिए सम ऑफ एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इज दी 90 डिग्री, इज इट क्लियर। एंगल ए प्लस एंगल बी इज दी 90 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज दी 180 डिग्री। इफ सी इज दी बी सी इज दी परपेंडिकुलर ऑन ए सी देन इट मस्ट बी और 90 डिग्री होगा ये, देन ए एंड बी हमारा कितना रहा 180 माइनस 90 इज दी 90 डिग्री। सो ए प्लस बी इज दी 90 डिग्री। नाउ इफ ए इज दी एंगल थीटा, अगर ए है वो हमारा क्या है थीटा एंगल है, तो इसका रिलेशन क्या होगा ये होगा। देन वॉट इज द एंगल बी, एंगल बी क्या होगा फिर यहाँ पे हमारा एंगल बी इज दी 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा 90 माइनस थीटा। सो राइट हियर 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल ए इज दी थीटा डिग्री एंड बी इज दी 90 माइनस थीटा देन सी इज दी 90 डिग्री। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक तो ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और एक लेते हैं ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, या ए बी सी में ही हम क्या करेंगे जो हमारा बेस है, जो बेस एंगल है उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। लेट्स टेक दी एंगल ए बी एंड सी, ठीक है, एंगल ए बी सी लिया, हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से है 90 माइनस थीटा से, कंट्रोल कहाँ से है सारा 90 माइनस थीटा डिग्री से। अब इसके जो ऑपोजिट में साइड होती है वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, 90 माइनस थीटा डिग्री हमारा क्या है बेस एंगल है। सो 90 माइनस थीटा डिग्री के जो ऑपोजिट में साइड होगी वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंड हु इज द बेस, बेस इज द बी सी एंड ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ए बी सी है, इसमें अगर हमारा बेस एंगल बी है, बी को अगर हम बेस एंगल लेते हैं जो क्या है 90 माइनस थीटा डिग्री, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, ए सी इज दी परपेंडिकुलर, बेस इज दी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा ए बी, ठीक है, पी इज दी परपेंडिकुलर ए सी, बी सी साइड है वो हमारी क्या है बेस है, हाइपोटेन्यूज इज दी ए बी, ये किसके लिए जब हमारा बेस एंगल बी है। इफ अवर बेस एंगल इज दी ए, अगर बेस एंगल ए है तो ए के ऑपोजिट में क्या है बी सी, बी सी इज दी परपेंडिकुलर, सो बी सी इज दी परपेंडिकुलर एंड ए सी इज दी बेस, ए सी इज दी बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज दी ए बी, ठीक है, आ गया ये हमारा। अब हम क्या करते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको हम एस्टेब्लिश करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज दी, अगर देखिए ए बी सी लिया हमने, बेस एंगल क्या है ये है, तो साइन 90 माइनस थीटा, हियर इज दी साइन 90 माइनस थीटा, क्या आएगा हमारा साइन थीटा क्या होता है पी बाय हैच, पी बाय हैच, देन व्हाट इज दी पी, पी इज दी ए सी एंड हैच इज दी ए बी, यही आएगा हमारा। देखिए हियर वी हैव टेकन बेस एंगल एज ए बी एंड देयर वी हैव टेकन बेस एंगल एज ए ए, ठीक है, तो हियर थीटा इज दी 90 माइनस थीटा, सो रिटर्न साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दी ए सी, ए सी इज दी परपेंडिकुलर फॉर बेस एंगल 90 माइनस थीटा डिग्री, देन हाइपोटेन्यूज इज दी ए बी। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द बेस, बेस इज द बी बी, बी सी एंड ए बी, ठीक है। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा पी बाय बी, पी इज द ए सी एंड बी इज द बी सी, यही आएगा हमारे पास। नाउ व्हाट इज द कॉट थीटा, कॉट थीटा हियर इज द 90 माइनस थीटा, दिस इज दी बी बाय पी, बी सी बाय ए सी, ठीक है, देन वी हैव सेक थीटा, थीटा इज दी 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दी सेक थीटा, सेक थीटा इज दी एच बाय बी, एच बाय बी, एच इज दी
AB and BC. Now, what is the cosec? 90 minus theta. It is the H by P. H is the AB and P is the AC. ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. साइन 90 माइनस थीटा इज दी पी बाय एच, ए सी बाय ए बी, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज दी बी बाय एच. सो रिवर्स ऑफ इट, ये होगा हमारा कॉट है वो बी बाय पी, सेक है वो एच बाय बी, देन व्हाट इज दी कॉसेक, कॉसेक इज दी एच बाय पी. सो दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस एंगल बी. नाउ टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेस एंगल ए, बेस एंगल ए पे हम इसका रेशियोज लेते हैं. सो हियर साइन थीटा, हियर इज दी 90 माइनस थीटा, दिस इज दी थीटा. साइन थीटा इज दी पी बाय एच, हियर इज दी पी इज दी बी सी एंड एच इज दी ए बी. यही आएगा हमारे पास. इसके लिए पी क्या है हमारा बी सी और एच है वो ए बी. वॉट इज दी कॉस थीटा, B by H, B is the AC and H is the AB. Then tan theta, this is the P by P. What is the P? P is the BC and B is the AC. यही आएगा हमारे पास. Then cot theta, cot theta is the B by P. This is the AC by BC. Now sec theta, sec theta is the h by b. What is the h? AB by AC. Then we have final cosec theta, cosec theta is the h by p, h is the AB and BC. ये तो हो गए हमारे trigonometric ratios. किसके लिए? बेस एंगल B के लिए और बेस एंगल A के लिए. ठीक है, दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी बेस एंगल B एंड दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी बेस एंगल A. ठीक है, ये है हमारे B बेस एंगल के लिए और ये है हमारे A बेस एंगल के लिए. नाउ कंपेयर, कंपेयर बोथ दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या करेंगे हम यहाँ पे? कंपेयर करेंगे. ठीक है, लेट्स कंपेयर इट. कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे. हियर वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन फॉर दी सेपरेशन. क्या करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन 90 माइनस थीटा इज दी ए सी बाय ए बी. क्या है हमारा? ए सी बाय ए बी. अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि ए सी बाय ए बी हमारा कौन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. हियर सी दैट ए सी बाय ए बी कौन सा आ रहा है? कॉस थीटा. इसका ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. These both are the complementary angles because sum of these two angles are the 90 degree. कैसे 90 degree? Here is the 90 minus theta. See here, 90 minus theta plus here is the theta. Theta theta get cancelled, then remaining is the 90. So we can say that these two angles are the complementary angles. Here sin 90 minus theta is the AC by AB which is equal to the cos theta. AC by AB, ठीक है? जो हमारा sin 90 minus theta है, वो किसके equal है? Cos theta के equal. So we can write here as the sin 90 minus theta is equal to the cos theta because they both have the same value, AC by AB and AC by AB. Is it clear? Then look at the cos 90 minus theta, BC by AB. Now compare it with the this complementary angle. Complementary angle है इसका, उससे compare करेंगे. BC by AB. Here is the BC by AB. जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमारा क्या है? सेम है. एंगल ए एंड एंगल बी आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ कंपेयर दी कॉस बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी. सो वी कैन राइट हियर एज दी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा. किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के इक्वल. देन टेन 90 माइनस थीटा इज दी ए सी बाय बी सी. कंपेयर इट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए सी बाय बी सी. हियर इज दी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कॉट थीटा. किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट थीटा के इक्वल. नाउ चेक फॉर दी कॉट 90 माइनस थीटा बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी इट इज इक्वल टू दी टेन थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है? टेन थीटा. देन सेक 90 माइनस थीटा ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी इट इज इक्वल टू दी कॉसेक थीटा. सो वी कैन राइट हियर एज दी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कॉसेक थीटा.
This is equal to the cosec theta. Now cosec 90 minus theta. It is equal to the AB by AC. AB by AC. Sec theta. So we can say that cosec 90 minus theta is equal to the sec theta. किसके इक्वल आ जाएगा? sec theta के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. So these are the trigonometric ratios. ये हमारे क्या है? Trigonometric ratios है corresponding to its complementary angles. Complementary angles के corresponding में ये हमारे trigonometric ratios आ गए. Which shows that the sin 90 minus theta is equal to the cos theta. Cos 90 minus theta is equal to the sin theta. Tan 90 minus theta is equal to the cot theta. Cot 90 minus theta is equal to the tan theta. Sec 90 minus theta is the cosec theta. And similarly, cosec 90 minus theta is the sec theta. ठीक है, ये सब हमारे इसके equals में आ गए. So this is all about the trigonometric ratios relation among complementary angles. ठीक है, complementary angles जो है उनके बीच में जो relation है हमारा वो क्या है? यही है, ये सब है. तो इसके ही बारे में हम numerical है वो next session में study करेंगे. एक जो इसका major part है वो अभी अपन over कर देते हैं. See here, we can write here as the sin 90 minus theta is equal to the cos theta. ठीक है, and cos 90 minus theta is equal to the sin theta. Then tan 90 minus theta is equal to the cot theta. Then we have cot 90 minus theta is equal to the tan theta. Then we have sec 90 minus theta is equal to the cosec theta. Then we have cosec 90 minus theta is equal to the sec theta. क्या हो जाएगा हमारे पास? ये sec theta. Sin 90 minus theta is the cos theta. Cos 90 minus theta is the sin theta. Keep in mind that 90 minus theta and sec theta is the complementary angles. ये क्या है हमारे? Complementary angles है. So in the exercise we have to see about the its complementary angle. हमें जब exercise हम solve करेंगे तब इनका complementary angles के बारे में हमें बहुत ध्यान रखना होगा. That's why we are establishing the relation among each other. इन दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं? Relation establish करा रहे हैं. So this is the relation among its complementary angles. ये हमारे क्या हो जाएंगे? Complementary angles के बीच का relation है. जब हम trigonometric expression solve करेंगे तो जैसे हमारा ये sin 49. अब standard value हमारे पास क्या थी? 0, 30, 45, 60 and 90. These are the standard trigonometric values. ठीक है, जो angles है हमारे trigonometric के, ये standard हमारे पास ये थे, इनकी values हम easily find कर सकते थे. But if in expression we had given sin 49 degree and here is the cos 31 degree. कितना आएगा हमारे पास? 31 और 41. ठीक है, sin 49 how to convert it into the cos. अब इसको cos में कैसे convert करेंगे? By using this relation. इस relation के through हम use करेंगे. See here, sin 90 minus theta is equal to the cos theta. ये हमारे cos theta के equal है. So write here 49. 49 अगर यहाँ पे use करते हैं तो sin 90 minus 49 is equal to the cos theta degree. ठीक है, so इसी के according हम क्या करेंगे? Expression को solve करेंगे in the next session. So this is all about the today's session. In this we had study about the trigonometric ratios in complementary angles. ठीक है, इन दोनों के बीच का हमने relation create किया जो कि हमारे expression में further use में आएगा. So this is all about today's class. Thank you students.